हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो ये चैप्टर था, इसको मैंने फेस किया, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज वहां पे जाइए प्लेलिस्ट में, क्लास 12 फिजिक्स में आप बस डाल दीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बाई संतोष अग्रहारी, तो 100% जितने भी वीडियो है आपको मिल सकते हैं, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। बहुत इजी वे में समझाया गया है, वहां पे हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, और हर एक थ्योरी के बाद मैंने न्यूमेरिकल भी अपलोड कर दिया, यानी कि लास्ट में एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो प्लीज अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके वहां पे देखिए और बहुत मजा आएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको देखने के बाद कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, उसी पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद क्या होती है, बहुत हमको खुशी मिलती है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हैं रेड कलर का जो बटन दिख रहा है, बहुत मजा आता है, तुरंत हमको ऐसा लग जाता है कि हमारा कोई सब्सक्राइबर क्या कर दे रहा है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहा है, ठीक है ना। सो लेट स्टार्ट क्लास, और बहुत मजा आएगा, ठीक है। इस क्लास में आज मैं कुछ आपसे आईडीजे मेंस के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करूंगा, और इसके पहले मैंने एक लेक्चर बना दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, उसको आप अच्छे से देखिए। फर्स्ट लेक्चर जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि सबसे पहले कौन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लोग बताते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है कि चार्ज को इन्फिनाइट से लेकर आया जाए, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले नहीं आता है, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसके बाद फिर कौन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझिए, और पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो और उस पॉइंट चार्ज से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने से वहां पे पोटेंशियल भी पैदा होगा, तो वो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना था, V=1/4πε0 × Q/R। उसको मैंने 100% मैंने आपको दिया था कॉन्सेप्ट, उसको आप लोगों को समझा होगा कि अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ चार्ज हो तो उस ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेक करना हो तो क्या करते हैं, सभी चार्ज जितने भी हैं सबकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दीजिए, उसी को सम कर दीजिए, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ओके। तो ये सब बातें मैंने क्लियर किया था, तो अगर प्लीज अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा जाके उस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इंजॉय करिए, बिकॉज इस चैनल पर मैं आपको खासियत बताता हूं, इस चैनल का मोटिव यही है कि फिजिक्स इजी होना चाहिए। जो आप ये सोचते हैं कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लोग परेशान दिखाई देते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं फिजिक्स यार इजी होता है, वास्तव में डिफिकल्ट नहीं होता है, बस क्या करना पड़ता है फिजिक्स को फील करना पड़ता है। जिस दिन आपने फिजिक्स को फील करना शुरू कर दिया तो फिजिक्स के एक एक न्यूमेरिकल्स को आप उड़ा सकते हो, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट अगर जब तक ये नहीं पता रहेगा तो आप उसके न्यूमेरिकल्स को भाई क्रैक तो नहीं कर सकते हो। तो प्लीज पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर न्यूमेरिकल को क्लियर करिए। तो इसके पहले मैंने जो आज ये लेक्चर बनने जा रहा है, जिस लेक्चर में जो बात करूंगा, इसका मैंने एक लेक्चर पहले बता दिया है। आज ये हमारा स्पेशल क्लास न्यूमेरिकल्स पे है, आईडीजे मेंस से कुछ मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो स्टूडेंट आईडीजे मेंस के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग को घुमा के देता है, और अगर हम लोग क्या करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को डीपली समझ नहीं पाते हैं तो हम लोग भी क्या होते हैं, घूम जाते हैं। तो आपको इस चैनल पर अगर आप जुड़ गए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो मैं श्योर सेवटी के साथ कहता हूं कि आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाएगा, ठीक है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको आने लगेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट। अगर आपको फिजिक्स को फील करना है, इस मोहब्बत करना है फिजिक्स के साथ, तो इस चैनल से जुड़े रहना है, और इस चैनल के हर वीडियो को लास्ट तक देखना है, इस चैनल की वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। ये भी बात है भाई, सब्सक्राइब तो कर देंगे लेकिन उसके वीडियो क्या करना है, शेयर भी करना है, और शेयर करने से क्या होगी, आप सबकी दुआ, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हो चुका हूँ एजुकेटर, बट स्लोली स्लोली अगर आप सबकी दुआ रहेगी तो इट मे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो प्लीज हेल्प मी, सब्सक्राइब माय चैनल फार टू रियलाइज द फिजिक्स, ओके, एंड शेयर टू लिंक। आपका जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक मैसेंजर वगैरह वगैरह करके सब पे क्या करिए, इसको शेयर करिए, और आप लोग की दुआ होगी तो देखा जाएगा, ठीक है ना, ओके। सो लेट स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
यूनिफॉर्मली ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, समझिए भैया मेरे मुन्ना बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इसके पहले मैंने क्या किया था, जो उसका प्रीवियस चैप्टर था उसमें मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कि आपके पास एक रिंग है झूम झूम करके, जिस छल्ला देखते हैं ना उसी की तरह से कुछ एक रिंग था, और उस रिंग की वजह से मैंने एक एक्सिस पे, ठीक है, उस रिंग के एक्सिस पे एक पॉइंट लिया था और उस पॉइंट पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आज आपको क्या करना है, इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, आज आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सोचो यार, जैसे अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो उतना डिफिकल्ट नहीं है भाई ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर में लफड़ा होता है, लोचा रहता है कि कहां पे कॉस थीटा होगा कहां पे साइन थीटा। बट थारिक मैं समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हैं, इजिली एड कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट वो कैसे होगा, थोड़ा बहुत तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज यहां पे क्यू, और यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपने क्या सपोज कर लिया, पी, और यहां पे पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, यानी कि एक छोटू सा चार्ज हो, अगर आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चार्ज हो और वहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लिया जाए, उस पॉइंट पे अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ आज लेकिन ऐसा नहीं करना है भैया, आज आपके पास एक क्या है, सर्कुलर रिंग है, आपके पास क्या है, एक रिंग है, ठीक है। तो रिंग देखो ध्यान से, ये मैंने एक सर्कुलर रिंग बनाया यार, ऐसे तो हो नहीं सकता, पर आप समझ सकते हैं, मैंने क्या बनाया, एक छोटा सा सर्कुलर रिंग बना लिया, ओके। और जो ये रिंग बना है इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली क्या है, स्प्रेड है, मतलब प्लस Q जो चार्ज है, प्लस Q पूरा का पूरा ऐसे फैला हुआ है, और इसका सेंटर O, इसका रेडियस स्मॉल a, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है, एक पॉइंट क्या है, P है, और इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना। आपके पास क्या है भैया मुन्ना, बोलो, यहां पे प्लस चार्ज क्या ऐसे फैला हुआ है, यहां पे क्या है भाई, प्लस चार्ज ऐसे गिन-गिन करके यूनिफॉर्मली है, ध्यान देना यूनिफॉर्मली फैला हुआ था, इसका सेंटर मैंने क्या सपोज किया, ओ, रेडियस क्या सपोज किया, स्मॉल है, और यहां से आर डिस्टेंस पर क्या लिया गया, एक पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जो पूरा का पूरा चार्ज, एक पॉइंट चार्ज बना हुआ यहां से, और यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी सपोज करके निकाल दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा तो हो नहीं सकता यहां, ठीक है ना। ऐसा नहीं सपोज कर सकते कि पूरे का पूरा चार्ज आपके सेंटर O पे है, अगर आपने ऐसा सपोज कर लिया इसका मतलब कुछ आपने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर थोड़ा सा चार्ज लेना है डी क्यू, देखो ये मैंने क्या कर दिया, डी क्यू चार्ज लिया, और इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालो, बात समझ में आ रही ना, डी क्यू चार्ज, कंसीडर डी क्यू चार्ज, कंसीडर इस्तेमाल डी क्यू चार्ज, ठीक है ना। इतना मैंने डिस्टेंस, इतना चार्ज क्या कर दिया, सपोज कर लिया, और इस चार्ज की यहां से डिस्टेंस यही है, क्या है भाई, यही तो है। अब बात ये आता है कि सर ये मैं डी क्यू चार्ज सपोज कर थोड़ा सा, और इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी कर टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, लेकिन आपको डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कर्ण क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उस तरीके से अगर मैं यहां पर निकालना चाहूंगा इसको, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर। तो वैसे यहां पर थोड़ा सा चार्ज ले लिया मैंने, फिर यहां पर थोड़ा सा चार्ज ले दो, ऐसे सर्कुलर ऐसे छल्ला मान लो, एक ऐसे सर्कुलर छल्ला मान लो, थोड़ा सा यहां पर निकाल दो हाइपोटेनियस,
ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। आप 3D को समझिए पहले, ये देखो ये एक सर्कुलर है, रिंग है, छल्ला था, ठीक है ना, रिंग मतलब बलय भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चार्ज लिया, वहां से पोटेंशियल निकाला, यहां से लेकर यहां पोटेंशियल निकालो, यहां से लेकर यहां निकालो, यहां से लेकर यहां निकालो, यहां से लेकर यहां निकालो, तो इसी प्रकार से क्या करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालते जाइए। और ये होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो लास्ट में क्या कर दो, सबको ऐड कर दो, आसानी से आ जाएगा। तो यही आपको करना है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डी ड्यू क्यू, इसकी वजह निकालेंगे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, ऐसे मतलब सभी से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसको 3D में समझा जाए, ये देखिए ये रिंग हो गया, और इस रिंग की वजह से यहां देखो आर डिस्टेंस पर, डी क्यू ले लो ये भी आर हुआ, यहां से ले लो यह भी आर, यहां से भी यहां से, यहां से भी यहां पे, सब जगह से क्या डिस्टेंस सेम बना रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू डी भी कर दीजिए भाई, 1/4 pi एफ वाले जीरो इंटू डी क्यू अपॉन आर, आर के प्लस क्या होगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब ऐसे सिमिलरली और आता जाएगा, जहां पे मैं नेट पोटेंशियल निकाल दो, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इनका समेशन कर दो ना, सबको ऐड कर देना, मीन समेशन किया जाता है, समेशन मीन्स क्या होता है, सबकी वजह से जो आया था कुछ भी आया हो उसको ऐड किया जाएगा। तो यहां पे वी कल टू समेशन 1/4 pi epsilon 0, ये क्या है डी क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ कर दो, भगा दो बाहर समेशन से, वी इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 और इंटू 1/√a² + r² यहां पे क्या हो जाएगा समेशन डी क्यू, यानी कि टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज कितना है हमारा क्यू है, तो 1/4 pi epsilon 0 टोटल चार्ज कितना है क्यू है, सो क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होता है, जनरेट होता है, पोटेंशियल मीन्स पावर एनर्जी समझ सकते हैं, 1/4 pi epsilon 0 q/√a² + r². तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इससे हम कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि क्या होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और फॉर्मुला नोट करिएगा, 1/4 pi epsilon 0 इंटू क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो नोट डाउन इट एंड सॉल्व द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके ओके बच्चे, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है ये आपका आया है IIT JEE में 1990 में, कब आया है 1990 में, और बहुत यार इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, और IIT JEE मेंस में ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। '90 में आया था, ठीक है, बहुत पुराना है बट दमदार क्वेश्चन है, अभी भी आता है, अभी भी IIT JEE मेन में ये क्वेश्चन बहुत धमाकेदार के साथ आता है। क्वेश्चन क्या कहता है उसके मैं कॉन्सेप्ट को पहले समझाता हूं, उसको अच्छे से देखिएगा। कह रहा कि आपके पास 3 स्फीयर है, उनका सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक इसको बोलते हैं, 3 स्फीयर है, हालो 3 स्फीयर है। क्वेश्चन कह रहा है 3 स्फीयर आपके पास, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया बी हो गया सी हो गया, इनका सेंटर ओ है, इसका रेडियस स्मॉल ए, इसका रेडियस स्मॉल बी, और इसका रेडियस क्या है स्टूडेंट स्मॉल सी, ठीक है ना, इसका रेडियस स्मॉल ए, इसका स्मॉल बी, इसका क्या हो गया स्मॉल सी, यानी कि बड़े वाले का स्मॉल सी हो गया, छोटे वाले का उससे स्मॉल बी, इसके बाद क्या हो गया स्मॉल ए। ओके अब कह रहा है कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना है, सिग्मा है, फिर से बोल रहा हूं यहां पे प्लस सिग्मा, इसका कितना है
माइनस सिग्मा, और फिर इसका कितना है प्लस सिग्मा। क्या बोला मैं फिर से ध्यान समझिएगा, आपके पास थ्री स्फीयर है एबीसी, उनका रेडियस है, इसका सरफेस डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा और फिर प्लस सिग्मा हो गया। आपसे क्वेश्चन फर्स्ट पूछा, क्वेश्चन फर्स्ट ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि ए पे कितना स्पीड कितना पोटेंशियल होगा, और फिर पूछ रहा है बी पे कितना होगा पोटेंशियल, और फिर पूछ रहा है सी पे कितना पोटेंशियल होगा। ये तो पहला क्वेश्चन पूछ दिया। इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये बताओ कि वी ए कल टू वी सी, वी ए कल टू क्या है वी सी, तो रिलेशन क्या होगा ए बी सी एंड सी के, रिलेशन बिटवीन ए कामा बी कामा सी के बीच क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कुछ प्रोसेस को भी समझिए, उसके कुछ प्रोसेस को भी क्या करिए समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे सबसे पहले मैं ए पे निकाल रहा हूं, किस पे निकाल रहा हूं ए पे, तो पोटेंशियल एट ए वी इक्वल टू, तो एक बार क्या होगा स्टूडेंट देखो ध्यान से, इस पे निकाला जा रहा है, इस पे किस पे ए पे, तो इसका टोटल चार्ज सेंटर पे सपोज कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ए डिस्टेंस पर, देखो अभी मैं पहले वाले से निकालूंगा, तो पहले इस वाले बाल छोटे वाले बाल से, फिर इससे और फिर इससे, तो इससे पहले निकाले कितना होगा, सपोज दैट इसका जो पूरा का पूरा जो चार्ज रहा होगा, पूरा का पूरा जो चार्ज हो कहां पे है सेंटर पे है, और यहां से स्मॉल डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, कॉमन तो हो ही जाएगा सब में रहेगा, और क्यू अपॉन आर क्या होता है क्यू अपॉन आर, तो चार्ज सब जगह पर देखो सेम है, चार्ज क्या सेम, देखो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ये भी सब कुछ सेम है ना, तो इसलिए चार्ज को सेम बनाएगा क्यू अपॉन ए, और क्यू अपॉन ए कितना है स्मॉल ए प्लस इसका, अब देखो इसके किस निकालना है, तो इसका टोटल चार्ज कहां पे आएगा इस पे सेंटर पे, तो यहां से स्मॉल बी डिस्टेंस पर यहां, सॉरी फिर से देखिए यहां से, इसका जब यहां इसकी वजह से निकालेंगे तो इसका टोटल चार्ज, इसका टोटल चार्ज देखो ध्यान से सेंटर पे सपोज कर लिया, अब यहां से बी डिस्टेंस लिया जाएगा, बहुत ध्यान देना बच्चों ये ध्यान देना इस बात को नोट कर लेना, ये अब की बार ए नहीं रखा जाएगा, इस बार क्या रखा जाएगा बी रखा जाएगा, क्योंकि इससे ले रहे हैं ना, तो इसका टोटल चार्ज कहां पे है सेंटर पे सपोज करेंगे, तो अब यहां पे क्यू अपॉन वी, अब प्लस फिर अब की बार क्या होगा फिर ऊपर वाला ये, तो इसकी वजह से यहां पे सपोज करेंगे फिर कितना लिया जाएगा सी, तो प्लस क्यू अपॉन सी। अभी कहानी इतने से नहीं खत्म होती है, अभी कहानी इतने से खत्म नहीं होती है, अब देखो क्यू कल्ट होता है या सिग्मा कल्ट होता है क्यू अपॉन ए, यहां से क्यू कल्ट क्या आएगा सिग्मा ए, और ए क्या है एरिया, तो क्यू कल्ट सिग्मा ए रख करके एरिया भी बना हुआ, सो वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू कल्ट क्या सिग्मा ए, सिग्मा ए कितना है 4 पाई ए स्क्वायर इतना हो गया, ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा, क्यू कर्ड क्या कर दिया मैंने सिग्मा ए, क्यू कर्ड क्या कर दिया सिग्मा ए रख दिया, और ए की वैल्यू कितना होता है 4 पाई ए स्क्वायर, क्लियर हुई बात। अब फिर से देखो क्या करना है, अपान ए कर दें कोई तकलीफ नहीं, प्लस क्यू कितना सिग्मा ए, सिग्मा क्या है इसका माइनस सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा और ए कितना 4 पाई बी स्क्वायर अपान कितना बी, प्लस फिर सिग्मा फिर 4 पाई सी स्क्वायर अपान कितना सी, अब 4 पाई खत्म हो जाएगा सिग्मा भी बाहर निकाल दो, तो कितना आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, यहां पे क्या बचेगा ए बी भी खत्म, ए माइनस बी प्लस कितना आएगा ये ए पे हो गया, किस पे हो गया स्टूडेंट ए पे, तो आते मुझे लगता समझ में आया होगा, तो एक बार इसकी वजह से एक बार इसकी वजह से एक बार इसकी वजह से, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका।
वीवी कितना होगा? वीवी ओके, इसको रेज करते हैं हम, पोटेंशियल एट बी, टेंशन तो नहीं हो रहा है ना, व्यास समझ में आ रहा है, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से, ए बी और सी, यहां पे आपकी बात समझना है, पोटेंशियल एट बी, वही प्रोसेस 1/4 पाई एफ एन बी, 1/4 पाई। अब के बहुत ध्यान से देखना भैया, इसकी वजह से निकालोगे ना, इसकी वजह छोटे वाले की वजह से, तो इसका पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पे और इसके सेंटर से स्मॉल भी डिस्टेंस पर यहाँ पे है, तो अब की बार जो पहला लिया जाएगा वहां पे क्यू अपान ए होता है, और ए नहीं होगा आपकी बार, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा पूरा इसका जो चार्ज है यहाँ पे सेंटर पे आ गया, तो यहाँ पे बी लिया जाएगा, क्योंकि भाई इसका पूरा चार्ज यहाँ पे सब सेंटर पे आ गया, यहाँ से बी डिस्टेंस पर ही तो है ये प्लस, और इसकी वजह से क्या आएगा, सेंटर पे आ गया, कितने डिस्टेंस पर है, बी डिस्टेंस पर है, इसका भी कितना क्यू अपान प्लस, अब इसका क्या हो जाएगा, क्यू अपान सी, क्योंकि यहां पे सी डिस्टेंस पर है, क्यू अपान सी, अब इसके आगे बात देखें, 1/4 पाई 0 क्यू खाल्डू सिग्मा ए, ओके सिग्मा ए, सिग्मा ए ठीक है ना, अपान बी प्लस सिग्मा, यहां पर लिख पाट, यहां पर क्या रहेगा, माइनस सिग्मा ए अपान बी प्लस फिर कितना सिग्मा ए अपान सी। तो आई थिंक मुझे लगता है ये बात इतना समझ में आया होगा आप सब लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम फिर ये नहीं हुआ होगा ठीक है। अब इसके बाद फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस, हम लोग समझते हैं ए कर्डू क्या है और बी कर्डू क्या है, वो सब बातों को क्या करते हैं बहुत ध्यान से रीड करते हैं ठीक है ना। हाँ तो अब यहाँ पे पहले बाल का सिग्मा ए है, अब देखो यहाँ पे ए किसका है, पहले बाल वाला था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई a² ये किसका है, सेकंड वाले का 4 पाई b² ये किसका है 4 पाई c². चलो भाई बोलो समझ में आया ना, पहले बाल का एरिया, सेकंड का और थर्ड का, इसको हम बढ़ के ब्रेकर में क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं ठीक है। और वी भी कर दू, 4 पाई खत्म हो गया, सिग्मा बाहर कर दो, सिग्मा अपान एफ वाले 0 आ गया, यहाँ पे कितना आया a² / b माइनस माइनस, और बी भी कैंसिल, यहाँ पे बी प्लस कितना आ गया, ये था सेकंड बॉल, इसको भी नोट करिए और देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाले पे, सी वाले पे कितना चार्ज होगा उसको देखना है, सी वाले पे कितना चार्ज होगा, इरेज कर दें ओके। तो पोटेंशियल एट सी ऐसे कुछ करके होगा, सिग्मा अपान एफ वाले 0 बाहर निकाल ले, रहने दो फिर मजा नहीं आएगा, सुवीक सी वही काम, 1/5 चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, अब चलेगा वन अपॉइंट फोर पाई फाइव 0 बाहर, इसका सेंटर यहां से कितने डिस्टेंस पर है, सी डिस्टेंस पर है, क्यू अपॉन सी प्लस क्यू अपॉन सी प्लस क्यू अपॉन सी, वहां पर लिया गया ना 4/5 0 क्यू कल टू बच्चा होता है सिग्मा ए, सिग्मा और ए कितना 4 पाई a² अपान सी प्लस सिग्मा इक्वल टू माइनस सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना 4 पाई b² अपान सी प्लस सिग्मा ए कितना 4 पाई a² अपान सी, 4 पाई को काम खत्म कर दें, सिग्मा अपान एफ वाले 0 रहेगा, सिग्मा अपान एफ वाले 0 और अंदर में आया a² अपान सी प्लस माइनस b² अपान सी प्लस कितना आया मेरे बच्चा सी आ गया, तो ये हो गया स्फीयर सी पे, किस पे स्फीयर सी का जो पोटेंशियल आया वो आ गया, यहां तक समझ में आया है। अब इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कि अगर वी ए बी सी की इक्वल हो जाए तो ए बी सी के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, तो उस पर हम थोड़ा बात करते हैं ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं
इसको भी खत्म कर देता हूं। देखिए अब क्या देखना है उसको भी समझिए, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि VA इक्वल टू BC, और VA क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अंदर में कितना आया था, a माइनस बी प्लस सी, ये कितना आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। और यहां पे आया है ए स्क्वायर अपॉन सी और माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी और प्लस कितना सी, इनका काम हो गया तमाम यहां से। तो अब यहां पे आ गया a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी, इनका भी क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, ए माइनस बी इक्वल टू इसका क्या देगा फैक्टराइजेशन, ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन सी, इसका भी क्या हो गया काम खत्म। सी यहां पे भेज दो तो सी इक्वल टू कितना हो गया ए प्लस बी। यही क्या है रिलेशन है, यही क्या बच्चा रिलेशन है, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन किया मैंने, कुछ नहीं किया, तो आई थिंक मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आईटीजेएमएस का, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो एग्जाम में आया है, ठीक है। ये 81 में आया है क्वेश्चन, 1981 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये क्या है 81, बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझना भी पड़ेगा आप लोगों को, अदरवाइज प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा। समझा रहे हैं आपके पास, कैसे समझेंगे क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, ये देख लीजिए इतना अच्छा से नहीं बन रहा है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर है, और क्यू चार्ज क्या है इसी पे फैला हुआ है पूरा का पूरा, दोनों को मिलाकर कितना चार्ज है क्यू चार्ज है। तो मैं मान लेता हूं, देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूं, पहले क्वेश्चन को समझिए पहले, और इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सेम है। ध्यान देखिए आपके पास दो हॉलो स्फीयर है, एक का रेडियस क्या है स्मॉल आर, एक का क्या है कैपिटल आर है, और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सेम है, और क्यू चार्ज दोनों पे फैला हुआ है, तो करेक्ट ये बताओ उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा वही बताना है आपको। तो मैं मान लेता हूं बच्चा क्या करना है कि जो क्यू चार्ज है दो पार्ट में बढ़ गया, एक छोटे वाले पे और एक क्या हो गया बड़े वाले पे। तो यहां पर मैं अगर बोलना चाहूं, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा वही नहीं बता आपको, पोटेंशियल एट सेंटर। देखो जो क्यू चार्ज है इसको दो पार्ट में करिए, एक क्यू स्मॉल आर एक क्या होगा क्यू कैपिटल आर, तो इसको ऐड कर दें क्यू इक्वल टू क्यू स्मॉल आर प्लस क्यू कैपिटल आर हो गया। तो बहुत आसान समझ में आया, अब इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी इनका ले लो, तो इसके लिए सिग्मा इक्वल टू क्या होगा क्यू अपॉन ए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल, अच्छा इनका इक्वल है भाई ना, इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इक्वल है। जब इक्वल हो गया तो इसका मतलब इसका ले लो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो इसका छोटे वाले का चार्ज क्यू आर, ए कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया स्मॉल, इसका कितना क्यू कैपिटल आर अपॉन क्यू कैपिटल आर अपॉन इसका कितना 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई क्या हो गया खत्म हो गया। तो इसको इधर लेकर आओ क्यू आर अपॉन क्यू कैपिटल आर इक्वल स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूं दोनों साइड में 1 ऐड कर दे रहा हूं प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। इसको ऊपर भेजिए क्यू आर
प्लस क्यू कैपिटल आर अपॉन क्यू कैपिटल आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ये हो गया ना। अभी किसके इक्वल है बच्चा, क्यू के, तो क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उलट दीजिए तो क्यू आर इक्वल टू कितना आएगा, क्यू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और सॉरी 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 हो गया बच्चा, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करो, क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये तो आ गया क्यू आर की वैल्यू। ऐसे स्टूडेंट अगर इसको मैं उलट दूं, ठीक है, कन्वर्स करके फिर से ऐड करूंगा, मतलब इसको नीचे लेकर आओगे, किसकी वैल्यू आएगी, क्यू स्मॉल आर की वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आएगा, क्यू स्मॉल आर का, और क्यू स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू इतना ही होगा बट स्मॉल आर अपॉन, और यहां पे कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर। तो आखिर मुझे लगता है ये बात समझ में इतना आया होगा आप लोगों को, ठीक है, साफ साफ लिख देते हैं यहां पे, हाँ, क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आया, इसको मैंने कर दिया सर्कल आर एस टी आर इक्वल इक्वल करके प्लस वन ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू निकाला। अगर इसको यहां से उलट सकते हैं तो यहां पे वन ऐड करने के बाद फिर इसकी वैल्यू आ जाएगा, तो आपको क्यू कैपिटल आर भी पता हो गया और क्यू स्मॉल आर भी पता हो गया। तो जब ये दोनों बात आपको पता हो गया तो इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट करिए फिर इसके आगे कहानी बताते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ समझिए और इरेज कर रहे हैं। तो अब पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा, पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा उसको हम चलते देखते हैं। तो कहेंगे सर एक बार छोटे वाले बाल का निकाल देते हैं, एक बार बड़े वाले बाल का निकाल देते हैं, बस ये काम खत्म हो जाएगा। तो वी कर टू वी आर कितना है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, तो कॉमन हो गई। अब क्यू आर क्यू अपॉन आर होता है, और ये कितना है स्मॉल आर प्लस क्यू अपॉन आर, क्यू आर अपॉन कैपिटल आर, कैपिटल आर हो गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। अब देखो क्यू आर इक्वल टू अभी आया था क्यू, इतना आया था स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इतना था अपॉन कितना आर, ये इतना, और प्लस वही कहानी इसका भी, क्यू कैपिटल आर स्क्वायर था, फिर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन कितना कैपिटल आर, ये क्या हो गया खत्म, है ना, खत्म हो गया भैया मेरे लाल। अब इसको क्या करो, सब बाहर निकालो और क्यू भी बाहर निकाल दो, वन अपॉन सॉरी वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और क्यू बाहर करना ही है, क्यू ये भी सब में है, निकाल दो इसको भी बाहर, इनटू अंदर में क्या बचेगा स्मॉल आर प्लस, तो इसको अच्छे से राइट कर देते हैं, वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये था सेकंड क्वेश्चन, और इसके बाद मुझे लगता समझ में आएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स बना है, कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, ठीक है। और अगले चरण में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे, एक न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता समझ में आया होगा, ओके। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट, कमेंट बॉक्स इसलिए बना कि अगर आप कुछ भी बताना है तो बता दीजिए, ओके। थैंक यू।